नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यमुनानगर में जगाधरी के गांव जड़ोदी के नजदीक नहर के कच्चे रास्ते पर एक व्यक्ति का जला हुआ शव क्षत विकसित हालत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और उसको पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया। इस दौरान मौके पर ही फॉरेंसिक जांच टीम को भी बुलाया गया। मृतक की पहचान 40 वर्षीय हितेश राणा निवासी द्वारिकापुरी जगाधरी के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक के भाई राहुल राणा ने बताया कि उसका भाई हितेश ड्राइवर का काम करता था। हितेश विवाहित था और उसके दो बच्चे हैं। रविवार रात को हितेश घर से यह कहकर निकला था कि वह किसी को पैसे देने जा रहा है और जल्द वापस आ जाएगा। रात भर वह घर नहीं आया और उसका मोबाइल भी बंद था। इस घटना की सूचना आज सुबह पुलिस से मिली कि उनके भाई हितेश का शव मिला है। राहुल राणा ने बताया कि उसके भाई की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जोली की रिपोर्ट। ये घर से कल उसे किसी दोस्त का फोन आया। फोन आने के बाद वो ड्रिंक उसने करा हुआ था दोपहरी में, किसी फंक्शन में गया हुआ था। बच्चे तो फंक्शन में गए, ड्रिंक कराया था। उसके बाद 5 बजे उठ के फिर किसी का फोन वो चला गया। घर से 15,000 रुपये ले गया और 15,000 ATM से निकाले। ATM से निकाल के फिर वो उसको कौन कोई करे गाड़ी में ले गए, कोई करे किसको ले गए ये नहीं पता। जीजा जी क्या नाम था? राणा उर्फ सन्नी। उम्र? 40 साल। आपको कब पता? मेरे 7 बजे। किस जीजे ने राहुल ये ने बताया, इसने बताया, ये अल्लाह इसने भतीजे ने बताया, ये बड़ा है, इससे बड़ा था। 7 बजे उन्होंने मुझे फ़ोन करी। उसकी डेड बॉडी सारी जली हुई थी, उसका सिर्फ आप पे HR और काला तांके से पहचान हुई, मोबाइल पड़ा रहा था। कंकाल था जो, तो कुछ नहीं था। दुश्मनी होगी किसी जी, या तो दुश्मनी होगी जी, परमात्मा जाना जी, हम तो कुछ नहीं देखो जी कह सकते। आपको अभी कुछ नहीं कह सकते, किसी का प्रश्न नहीं, लड़ाई भी नहीं उसकी, किसी की लड़ाई नहीं थी भाजी। हम तो इंसाफ चाहिए जी, और क्या चाहिए। कैसे आप सुना, बस मुझे पता लगा जी कैसे हो गया कैसे नहीं। ठीक है जी, हमारे साथ आपका फ़ोन गया भाई के पास, तो हमें पता लगा। रात 10 बजे निकला घर से, कुछ पैसे ले गए, उसके बाद जानकारी बनी क्या थी क्या नहीं। हमें सुबह कंकाल मिला, मुझे 8 बजे का फोन। कैसे सूचना मिली? थाने के थ्रू मिली जी। तुम्हारी बच्चे कितने? लड़का लड़की, लड़की का नाम जानशी। रात आपने खोज में फ़ोन करे, फ़ोन नहीं मिल के दिए जी, फ़ोन में घंटे भी गई कहीं नहीं पता। ये जो गुलाब नगरी पुलिया चंद्र खेतों में चलो सर बताइए जी, यहीं पे रखना है सर। क्या कंप्लेंट आई है, क्या जानकारी देंगे इस मामले को लेकर? आज सुबह हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक व्यक्ति की जो लाश है वो किसी ने उसको जलाया हुआ है और वो एक जली हुई लाश वहाँ पे मौके पे पड़ी है। ये रकबा पड़ता है गाँव जड़ोदा का, जगाधरी के पास। सूचना पर हम मौके पर पहुंचे थे, जहाँ पर किसी नामालूम व्यक्ति की एक डेड बॉडी हमें मिली थी जो जली हुई है। उसके पास से हमें एक मोबाइल मिला था, तो मोबाइल के जरिए उनकी शिनाख्त हुई है, जिनका नाम हितेश राणा है और जो द्वारकापुरी के रहने वाले हैं। तो इस सूचना पर हमने उसके परिवार का पता लगा कर उनको सूचित किया है। उनके परिवार जन हमारे पास आए थे, उनकी स्टेटमेंट पर हमने 302 का मुकदमा दर्ज किया है। और इसका जो वैसे तो प्रेमा फेसिया भी मर्डर ही नज़र आ रहा है, तो उसी एंगल से हम लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आगे देखिए पोस्टमार्टम कराएंगे। उसका अध जली लाश है, कुछ हिस्से उसके पूरे जल चुके हैं, कुछ बचे हुए हैं, तो उसी आधार पर हम इनका पोस्टमार्टम करा रहे हैं और हर एंगल से कोशिश कर रहे हैं कि इसकी पता लग सके कि मर्डर है क्या है, मर्डर है तो किस तरह से मर्डर किया हुआ है। घर वालों ने कैसे बाजू भी मिली उसको जिस पे नाम लिखा हुआ था? मैंने आपको बताया ना, अधजली लाश है जिसमें से उनका राइट जो हैंड है उसके ऊपर एक मार्क लगा हुआ था, MR राणा के नाम से लिखा हुआ था, सुरमे से HR राणा जी उसके, हाँ उसके लिखा हुआ था। उसके अकॉर्डिंग उनके परिवार ने देख कर एक धागा बंधा हुआ था जी, ब्लैक रंग का, तो उन्होंने देख के शनाख्त किया कि बॉडी उन्हीं की है। सर इस मामले में परिवार के लोगों को क्या कहना है? परिवार के लोगों का भी फिलहाल किसी पे शक नहीं है और ना ही ऐसी उन्हें कोई ऐसी रंजिश नज़र आ रही है जिससे कहा जा सके कि किसी ने मर्डर किया है। लेकिन फिर भी मर्डर तो है ही, हमारे एंगल से लगकर राजेश की मर्डर है ही, तो हम उसी एंगल से इसकी जांच कर रहे हैं। सर घटनास्थल से कुछ दूरी पर कुछ घर भी हैं, उनका कुछ क्या कहना है? गाँव जड़ोदी के कुछ घर बने हुए हैं, तो जिन्होंने पहले सुबह इसको देखा था कि एक जली लाश पड़ी है जिसके थ्रू हमें सूचना प्राप्त हुई थी, तो उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू सर।
हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।